गदर के तूफान से डरे करण जौहर, सताया थिएटर से फिल्म निकलने का डर। मल्टीप्लेक्स वालों ने कहा, प्राइम टाइम में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी नहीं चलाएंगे, गदर लगाएंगे। ऐसा हुआ तो करण जौहर को होगा करोड़ों का नुकसान, मार्केट में अलग खत्म होगा सम्मान। इधर गदर 2 ने मचा दी खलबली, पीछे छूट सकती है पठान और राजा मौली की बाहुबली। सिर्फ 2 दिनों का इंतजार और उसके बाद बॉक्स ऑफिस पर गदर मचेगा। तारा सिंह अब की बार अपनी बीवी सकीना को नहीं बल्कि अपने बेटे जीते को लाने के लिए बॉर्डर पार करेगा। फैंस बड़ी उत्सुकता के साथ 11 अगस्त की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 2.5 लाख टिकटें बिक चुकी हैं और एडवांस बुकिंग से ही 15 करोड़ की कमाई हो चुकी है। हर थिएटर वाला गदर लगाने के लिए बेताब नजर आ रहा है और इस चक्कर में अक्षय कुमार के OMG 2 का दाव पहले ही उल्टा पड़ चुका है। 150 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अक्षय कुमार की 35 करोड़ की फीस निकालने के लिए भी तरस रही है। अब तारा सिंह से टकराने का इतना भुगतान तो करना ही होगा। दूसरी तरफ गदर का टेंशन करण जौहर को भी हो गया है। उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है। कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के पास जा पहुंचा है, पर अब देश भर के मल्टीप्लेक्स मालिकों ने एक निर्णय लिया है। उनका कहना है कि हम प्राइम टाइम में सिर्फ गदर चलाएंगे, बाकी फिल्मों को थिएटर से निकलकर सिर्फ सुबह के शो में दिखाया जाएगा। 70% शो गदर को, 10% शो OMG 2 को और 20% शो करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दिए जाने की बात चल रही है। दूसरी तरफ सिंगल स्क्रीन वालों ने पहले ही कह दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ गदर चलाएंगे। करण जौहर मल्टीप्लेक्स वालों के इस निर्णय से खासे नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि मेरी पिक्चर थिएटर में अच्छी कमाई कर रही है और लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं, ऐसे में उनकी पिक्चर को थिएटर के प्राइम टाइम शो से ना निकाला जाए। दरअसल किसी भी फिल्म की ज्यादातर कमाई का हिस्सा मल्टीप्लेक्स से ही आता है। सबसे पहले करण जौहर ने इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अपने धर्मा प्रोडक्शन के अधिकारियों को भेजा। जब धर्मा प्रोडक्शन के अधिकारियों से बात नहीं बनी तब करण जौहर खुद ही मैदान में कूद पड़े। करण जौहर ने निर्णय लिया कि वो तमाम मल्टीप्लेक्स ऑनर्स से कुछ चर्चा करेंगे और उनकी फिल्म सिनेमा हॉल से ना निकालने की गुजारिश की जाएगी। दरअसल करण की फिल्म का बजट 160 करोड़ है। अगर उसे तीसरे सप्ताह थिएटर में अच्छे खासे शो नहीं मिले तो पिक्चर का बजट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। बतौर डायरेक्टर करण जौहर का कम बैक फ्लॉप हो जाएगा। और दूसरी तरफ बाहुबली 2 ने हिंदी बेल्ट में 510 करोड़ रुपए कमाने का कीर्तिमान बनाया था, जिसे 2 साल बाद पठान ने तोड़ दिया। अब दर्शकों को उम्मीद है कि सनी देओल पाकिस्तान में जिस तरह हथौड़ा लेकर गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पठान और बाहुबली का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। इस बीच करण जौहर ने मल्टीप्लेक्स ऑनर्स की बात को दिल पर ले लिया है। उन्होंने अपनी पिक्चर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब देखना ये होगा कि वो अपनी पिक्चर बचाएंगे या गदर के तूफान में तिनके की तरह उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब निर्भर करता है आप पर कि आप कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, गदर 2 या फिर OMG 2। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस फिल्म को सबसे पहले देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा, साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा।